यार सबको मुबारक हो, हमारा जो व्हाइट वाला मोर है ना, ये वाला ये वापस आ चुका है। वो किस तरह से है यार, रात तक हम ढूंढते रहते, तुराब गया था आपने देखा था, तुराब कामयाब नहीं हो सका उसको पकड़ने में रात को, क्योंकि और ऊपर और जगह चला गया इंस्टीट्यूट में। तो फाइनली यार सुबह सुबह हमारा मोर तुराब लेके आ गया था, उधर गया था 5-6 बजे तकरीबन। भाई शुक्र है आ गया मोर। हाँ सारी रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। एक मिनट सुबह फिर क्या हुआ, ये क्या है, ये घर में आए हुए थे यार, देखे गए तो मैं फिर अब लेके आ गया हूँ, फिर इनको शिफ्ट। प्यारे हैं यार येलो, है ना, वही ना, बहुत क्यूट लग रहे हैं, लेकिन अभी बच्चे हैं, बच्चे हैं ना। हाँ इनको शिफ्ट करो यार, बजीज हमारे बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं सर। यार ये काटेंगे बहुत लोग, तरीके से करोगे नहीं काटेंगे, उनके मुंह से ऐसे पकड़ना होता है फिर वो छोड़ देते हैं, मुझे आता है। क्या 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 तुराब, अगर ये निकले ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं निकल रहा, बच्चों वाले काम नहीं करने। ऐसे गुड, हो गया शुक्र है यार। और ये बेचारे हमारे कॉकटेल्स यार, इनका घर हमने चेंज किया हुआ है, आरजी तौर पर यहाँ पर बनाया हुआ है, इनको दाना पानी डाला हुआ है, पिंजरा नहीं बना था, यहाँ से टूटा है ना। रात को मैंने बहुत कोशिश की इसको बनाने की, यहाँ से टूटा और फिक्स नहीं हो रहा था। ये देखो यहाँ का मसला नहीं है, नीचे से जो है देख रहे हो ना, यहाँ से ये टूट जाते हैं, ये बार बार गिर जाते हैं, तो मैंने सोचा है ये वेल्ड होगा तब ये बनेगा, तो तब तक हमारे जो कॉकटेल्स है ना वो इधर ही रहेंगे इस घर में, आरजी घर में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब, ठीक हैं। हमारा ईगल दोस्तों पानी पीने के लिए खुद ब खुद नीचे उतरता है, नीचे जब उतर जाते हैं ना फिर ऊपर बेचारा नहीं जा सकता, इसकी क्योंकि पर नहीं आया ना अभी तक, अब पानी पी रहा था, नहाएगा धोएगा फिर यहाँ पर आके बैठ जाता है इस कोने में, खुद को ड्राई करता रहता है। और पता है दोस्तों आज हमारी मोरनी ने ना चौथा अंडा भी दे दिया है, और वो अंडा उस कोने में है, चलो सिप्टन उठा लो। उठा लिया करो टाइम से, टूट जाता नहीं तो। हाँ मैंने सोचा एक साथ उठाएंगे ना, तुम आओगे फिर एक साथ उठा लेंगे। चूजे खेल रहे हैं अंडे के पास, जाओ यहाँ से। ऐसे ना किया करो, जब अंडा दे फौरन उठा लिया करो। वो उस टाइम मोरनी बैठी थी ना साथ, इस वजह से मैंने नहीं उठाया था। बैठी थी तो क्या हो गया, अंडा निकाल लेते पर, क्या पता मैंने बोला फिर डर जाए अंडा ना दे कल को। चलो भाई उठा लेते हैं ये चौथा अंडा मोरनी का, माशाल्लाह अब तो रेगुलर देने लगी, एक दिन छोड़ के देती है, लेकिन दो अंडों के बराबर एक अंडा ऐसे ही है। और सुतेन भाई इन लकड़ियों का क्या करें, रमजान भाई नहीं आ रहा यार, इन लकड़ियों का जलाते हैं फिर जो है ना आग जलाते हैं फिर खाना पकाते हैं। सुतेन जल्दी जल्दी जल्दी, वो देखो आज देख लिया, मुबारक हो भाई, आते ही इसने शुरू हो गया भाई, कंफर्टेबल हो गया ये। यार पहली दफा हमारा व्हाइट मोर ना पर फैला के खड़ा हुआ है, हम इसका बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे कि भाई अपने पर फैलाए और हम देख सके। वो देखो व्हाइट मोर आ गया, आ गया और पर देखो कैसे फैलाए हुए हैं इसने, आ गया किधर था ये, बस मिल गया बच्चे, दूर था बहुत, तुम्हें नहीं पता वो कौन सी जगह है, देख रहे हो। सिप्तान मुंह भी सामने कर लिया, छुप जाएगा भाई, शर्मा रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा सिप्तान ग्रीन से अच्छा ये लग रहा है मुझे। हाँ चलो भाई डिस्टर्ब नहीं करते, आ जाओ। चलो भाई ओके हम जा रहे हैं, मजे करो खुश रहो यहाँ पर। और अभी तक हमने इस मोर के पंख नहीं काटे, ना ही मैं काटूंगा, मेरा दिल करता है कि यार आजाद घूमता रहे, इंशाल्लाह कभी तो पक्का होगा। और अंडा भी होता है? नहीं मोर अंडे देता है, बच्चे थोड़ी ना देते। ये देखो हाथ लगाओ, मोर से खाते भी हैं इसको और इनमें से बच्चे भी निकलते हैं। हाँ भाई क्या सिचुएशन है, माशाल्लाह ग्रोथ अच्छी हो रही है सैन पौधों की। अच्छा कितना दिन हो गए, तकरीबन महीना तो नहीं हुआ, अभी 15 दिन हो रहा है, महीना हुआ है और इनकी ग्रोथ देखें, कुछ भी नहीं हो रहा है, फिल्में लग गए यार, हो जाएंगे ना सिप्तान। यार इस तरह बहुत टाइम ले जाएगा यार, आप खुद सोचो तुरा भाई। यार मैं क्या करूं बताओ यार, अगर छत लगाएंगे तो धूप कम आएगी तो पौधों की ग्रोथ रुक जाएगी, इस वजह से मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा, मैं चाहता हूं बहुत जल्द हमारा मास्टर की बन जाए। ये जो पौधे हैं ना तुम इनको पेंडिंग रखो, बाकी काम पहले कर लो, पौधे भी साथ साथ होते रहेंगे, मेरा आइडिया तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, मेरी बात सुनो। यहाँ पे अभी नकली पौधे लगा दो, आर्टिफिशियल होते हैं ये भी होते रहेंगे, जब ये हो जाएंगे वो नकली वाले हम उतार देंगे, ठीक है। फिर थोड़ा 15-20 दिन तो देख लो यार, मैं कुछ तो ग्रोथ हो इनकी, थम आएगी तो नहीं होगी, मुझे इतना तो पता है, तुम्हें भी पता ये चीज, 15-20 दिन प्रतिदिन ऐसे देखता हूँ, अच्छे खासे हो जाएंगे फिर भी। चलो यार तो आप कह रहे कि इतना टाइम, नहीं तो अगर पूरे पौधे उगाने पे हम आते ना बहुत टाइम लग जाता। सर खाया हुआ है तुमने मुझे, 6 महीने हो गए हो जाएंगे इसको पूरा होने में, बड़ा होने में पौधों को, इसलिए बहुत जल्दी काम शुरू कराओ, ठीक है। हाँ बस सही है। तो ये वाला दोस्तों पोर्शन वहाब भैया ने बंद कर दिया, यहाँ से ना लॉक लगा दिया, बोला परमानेंट ये बंद है भाई, इसको कभी नहीं खोलना तुमने। वजह ये है कि यहाँ पर बैठी हुई हमारी गंजी मुर्गी, ये देखें माशाल्लाह, और ये कुड़क हो गई है, मुझे बिल्कुल नहीं अंदाजा था कि हमारी गंजी मुर्गी कुड़क हो गई है। वहाब भैया ने जब देखा ना कि मुर्गी कुड़क हुई है और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बैठी हुई है अंडों पर, तो वहाब भैया ने ना दरवाजा बंद कर दिया और
बोला कि भाई अंडों पर बैठ गए और ये अंडे किसके हैं, बत्तखों के अंडे हैं। तो मैंने बोला ठीक है भैया जैसे आपको ठीक लगे। उन्होंने अंडों पर बिठा दिया इसे, और ये वाली मुर्गी भी वहाँ ने अंडों पर बिठा दी है। देखे ना, ये हमारी वही मुर्गी है जो उस कोने में बैठी हुई थी, तो ये भी अंडों पर बैठ गई। और मैं देखता हूँ कितना अंडों पर वहाबे ने उसको बिठाया है, यहाँ पर बिठाया है वहाँ बहन, और यहाँ पर टर्की बर्ड भी आया हुई है। देखिए भाई अपने अंडे को सही से कवर नहीं करते थे, दूसरों के अंडे खराब करने आ गए तुम हैं। ये देखें, हाँ एक मिनट आ रहा हूँ यार। हाँ कबूतर है, कहाँ से? अच्छा मैं आ रहा हूँ, एक मिनट रुको। देखो माशाल्लाह यार, ये तो बहुत प्यारा है, छोटी है, और इनकी जो ये जगह है ना ये बहुत प्यारी है, जिसकी वजह से ऐसे लग रहा है जैसे स्नेक की चोंच नहीं होती फेस, वैसे से तन फील हो रहा है यहाँ से, यहाँ से भी वैसे ही लग रहा है। यार बहुत क्यूट है। अच्छा ये सेम सेम है? हाँ हाँ। देखो नहीं नहीं चेंज है यार, अगर एक जैसे होते ज्यादा प्यारे होते, लेकिन ये भी प्यारे हैं यार, किसी ने दिए है, बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं यार, ऐसे मैंने कभी नहीं देखे। फर्स्ट टाइम यार इस तरह के कबूतर मैं देख रहा हूँ, और इस तरह लग रहा है जैसे कोबरा स्नेक नहीं होता उसी तरह से। ये देखे इधर आओ चाचू, ये देखो इधर आओ, इधर आओ। कैसे पता था आपको? मुझे पता था। कब देखे हैं आपने? देखे नहीं है। ऐसे कह देते हो तुम, आ जाओ, आवाज आई है इसलिए भाग के आए हो ना। फिर शाहान ने भी अभी देख लिया, कितना प्यारे हैं, अच्छे हैं ना, छोड़ना नहीं, उड़ जाएंगे ये चाचू। चलो और सिर्फ इनको आजाद करें, मतलब इधर छोड़ दें। यार कबूतरी बीमार लग रही है मुझे, एक कौन सी वो वाली अंदर बैठी है एक बेचारी। हाँ बच्चे हैं, नीचे आ गए हैं, इनका घर तो ऊपर वाला था, बस अब चलने फिरने लग गए। अभी ये छोड़ दे, हाँ इनको छोड़ो, पहले इसको छोड़ो। 1 2 3 ओहो माशाल्लाह, और तुम भी जाओ। ओहो यार वाकई में बहुत खूबसूरत हैं सितैन, बहुत खूबसूरत हैं सितैन। मैंने ड्रेन खोला हुआ था, फुल हो गया होगा, जल्दी जाओ नीचे। एक्वेरियम ड्रेन नहीं, सॉरी वो ऊपर से पाइप खोला था पानी वाला, देखो जल्दी देख के आओ जल्दी। अभी फुल नहीं हुआ यार, यहाँ तक हुआ है पानी, थोड़ा सा रहता है। जब यहाँ तक आएगा ना हम फिर बंद कर देंगे। वैसे यहाँ तक इसकी है शीशा, यहाँ तक है ये लकड़ी, ऐसे लग रही है, यहाँ तक जब आएगा ना पानी हम बंद कर देंगे। ऐसे ही डरा दिया तुराब तुमने, अभी थोड़ा सा रहता है तुराब। मैंने नोटिस किया है ये वाला कबूतर और वो सामने जो व्हाइट वाला बैठा है, ये दोनों बीमार है। नोट कर रहा हूं भाई, सारे कबूतरों में बीमारी आ रही है हमारे। अच्छा इनको कर दो अलग तुम, ठीक है उठाओ 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 उठाओ। इस तरह एक मर भी चुका है तुराब, वही ना बस। अब नहीं यार रिस्क ले सकते, इनको अलग कर दो, अलग कर दो, ऐसा ऐसा नहीं तो सारे फैंसी कबूतरों में आ जाएगी। इतने प्यारे प्यारे कबूतर हैं, सारे बीमार होते हैं। बीमारियां आती हैं क्या पता नहीं यार, जो दूसरे थे ना उनमें आज तक ऐसी बीमारी नहीं आई, फैंसी में शायद ऐसा हो कि ये बीमार होते हो। चलो इनका इलाज करेंगे अब, आ जाओ। अब इनका क्या करोगे? इनको लैदा बंद करेंगे ताकि बीमारी इनमें ना फैले, फिर इनका इलाज करेंगे लैदा रख के। पहले भी मरा था। हाँ इस तरह वाइट वाला। चलो आजा। चलो भाई चलो। यहाँ पर सही है सिप्तान, चलो दरवाजा खोलो ऊपर वाला, ये इसमें रख देते हैं हम दोनों कबूतर। चलो भाई जाओ यहाँ पर रहो, तुम्हारा इलाज हम इधर ही करेंगे। तो हमने दोस्तों ना इन कबूतरों को इधर शिफ्ट कर दिया है, और अब ये ये क्या यार, ऊपर से सुराख था, नोट ही नहीं किया हमने, ये तो सारा फटा हुआ है। इसको पकड़ो भाई, उड़ जाएगा अब। सिप्तान मैं पकड़ता हूँ, ऊपर चढ़ो। तरीके से, पीछे से, झटके से, आओ जी। हो यार तुराब पकड़ो यार। चलो शाबाश शाबाश शाबाश। ओए गया, कहाँ गया? ये नहीं आता भाई वापस, शायद वो उधर हमारा घर देख के वहां चला जाए जहाँ पे वो पहले। आओ जी, किधर जा रहे हो? आ गया वापस। तुराब पकड़ लो। ओए वापस आ रहे, वापस नीचे। आराम से, डराओ नहीं उसको, ओए डराओ नहीं। तुराब को पकड़ने दो, तुम ना पकड़ो, बैठा रही पे, डराओ नहीं, आराम से। तुराब जल्दी आओ, जल्दी आओ। वैसे उड़ता नहीं, पकड़ लो आज से। अच्छा उड़ता नहीं है, तुम्हें पहले पता है। चुप कोई ना। हाँ सही है आराम से करो बच्चे सारे। ओए हाँ ये भी था सही तरीका है, आराम से आते जाओ, उधर से जाओ तुम। ओए ग्रीन कपड़े वाले, उधर से थोड़ा, उधर से इस साइड से मुंह। हाँ आहिस्ता इधर से आगे से मैं आ जाता हूँ ये जगह से। चलो शाबाश।
क्या बात है तुराब, गुड यार। अब दोबारा उसमें डाल रहे हो तुम इसको, यहाँ से पकड़ के। हाँ इसको नीचे वाले पोर्शन में शिफ्ट। हाँ ये बिल्कुल सही है। ऊपर से रास्ता है भाई। हाँ यहाँ से नहीं निकल के दिखाओ तुम। क्या बात है यार, पकड़ लिया। आजकल जो भी परिंदे हमसे उड़ रहे हैं हम पकड़ लेते हैं। कॉकटेल्स कल उड़े थे वो भी पकड़ लिए थे, अब कबूतर भी तुराब ने पकड़ लिया। गुड यार। यार कबूतर तो बंद हो गए हैं। सिप्टैन भाई इधर देखे, ऐश और फियोना के काम। पहले ये वाला बर्तन उन्होंने आधा किया है, ठीक है। यहाँ से देख रहे दोस्तों, ये वाला मट्टी वाला बर्तन ना फियोना और ऐश खा जाते हैं। और इस बर्तन को हमने हटा के दूसरा बर्तन रखा और यहाँ पर भी आधा हुआ पड़ा है। भाई खोलो जरा इनको, आ जाओ ऐश फियोना, आ जाओ शाहबाज। सिप्टैन देखते रहे ना, परिंदे शरिंदे ना खा लें। ये देखिए यार, ये बार अभी सारा का सारा इन्होंने खा लिया है। समझ नहीं आ रही है क्यों करती है ये फियोना और ऐश। हाँ भाई क्या हो गया, मट्टी इतना पसंद आ गया, खाली बर्तन खाते हो तुम, गोश्त भी खाते हो उसके बावजूद। है फियोना नहीं, चलो सिर्फ इनको बंद कर दो, ठंडी ठंडी आवाज चल रही है ना। तो यार अचानक से मौसम चेंज हो गया, पहले तो बहुत ज्यादा गर्मी थी, सूर्य निकला हुआ था आपने देखा होगा, और अब बादल आ गए और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और मुझे बहुत ऐश, नहीं यार नहीं करो ऐसे, नहीं करो ऐश, गंदी हरकतें ना किया करो। मास्क न पहनाओ। कल यार ऐश को हमने मास्क पहनाया, तुम नहीं थे साथ। ऐश ने मास्क जब पहन लिया तो तकरीबन 2-3 मिनट के बाद इसने उल्टी कर दी। शायद मास्क की वजह से इसको सफोकेशन हुई, कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से सारा खाना इसने निकाल लिया। तो आज से ऐश को मास्क नहीं पहनाएंगे सिप्टैन, मुझे डर लग रहा है भाई। और मास्क ले आओ जो और खुला खुला हो, जो भी हो, लेकिन फिलहाल नहीं पहनाना। और फियोना ने अपनी रस्सी भी तोड़ दी है सारी। चलो 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 बांधो इसको, बांधो 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 बांधो। फियोना कभी झुको, वही बटेरा बटेरा पकड़ रही है फियोना। यार फियोना भी यार ये इसको बंद करो भाई, बंद करो। कहाँ फटी है यार, सही तो है, मैंने समझा फुल फट गई इसका, वो नहीं। अच्छा है। ये हाँ वो टूट गया। कुत्तों पर भाई भरोसा नहीं करना चाहिए, कभी भी आपके परिंदों पर हमला कर सकते हैं। हम फियोना को समझ रहे थे कि फियोना कुछ नहीं कहती, वो बटेरे के पीछे लग रही थी यार। काम चेक करो, फियोना भी पीछे लगने लग गई है बटेरों के और परिंदों के। तो यार किसी भी टाइम बारिश आ सकती है, हवा चलना शुरू हो गई है। मुझे ये डर लग रहा है हमारे जो मोर है ना, वो सेफ्टी रूम में जाने की उनकी आदत नहीं है। एक तो वहाँ पर बैठा है, बाकी ये देखो वाइट वाला और बाकी जितने भी हमारे मोर मोरनियाँ हैं वो बाहर रहती हैं। तो इस चीज़ का मैं अब ख्याल रखना होगा, जो ही बारिश आना शुरू होगी या अभी तुराब अजंता हो गया हुआ है परिंदों की, तो वो कबूतर नहीं है उनकी दवाई लेने गया हुआ है। जब वो आगे मैं कहूँ यार सारे मोर पकड़ के ना सेफ्टी रूम में बंद कर दो एहतियातन, क्योंकि बारिश मुझे लगता है 100%। ये देखें यार काले बादल हैं और ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है, बारिश आ सकती है, चांस है, तो हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, मोर हम बंद कर देंगे। मैं तो कोशिश भी नहीं करूंगा यार इनको पकड़ने की, क्योंकि मसला हो सकता है ये मोर भाग जाता है बार बार, तो इसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा अभी। तो आप का इंतजार करता हूँ यार, मैं देखते हैं कब तक आता है वो। अगर लाइट चलेगी अभी अभी, क्योंकि आंधी बहुत तेज हो गई और तुराब भी आ गया। आओ तुराब, मौसम तो खराब हो गया, मौसम खराब हो गया। और तुम ये देख दवाई जो ये है ना, देखो ना कैल्शियम की दवाई लेके आयु ऐश और फियोना के लिए। अच्छा ब्लैक को भी दे सकते हैं और ये पिजन्स के लिए, ठीक तो है। चलो यार अब क्या कर रहे हैं यार, मोर पकड़ने हैं, ठीक है। हवा में है यार बैठे रहे यार, लाजमी है पकड़ना, लाजमी है, बारिश आ सकती है अभी। अच्छा हाँ पकड़ो इसको सबसे पहले, भाई ये उड़ ना जाए, खैर ये इसके पर नहीं है, मैं पकड़ लूंगा। हाँ इसको पकड़ो, सेफ्टी रूम में बंद करना है ना इनको। हाँ हाँ ऐसे सही है, बारिश सारी रात। ओ भाई इधर देखो, हाँ कहाँ लगा है, आँख में इसके पर लगा है, देख के भाई उठाते हैं, मोर है वो, इतना बड़ा है वो, ताकत लगाता है ये। हाँ तो फिर तो नहीं पता, पहले भी इसने पूरी मेरी बाजू छील दी थी। अच्छी बात है, तो इसको मैं नहीं पकड़ सकता, खुद पकड़ो। अच्छा इसको हाँ नीचे आ गया, इसको पकड़ के भी सेफ्टी रूम में डालने बस। मोरनी और एक वाइट मोर, यार सारे के सारे मोरना सेफ्टी रूम के अंदर आ चुके हैं, अब जो है ना इनको कोई खतरा नहीं है, जितनी तेज बारिश आ जाए ना ये यहाँ पर सेफ है। तो यार अब मैं अपने कबूतरों को ना दवाई पिला रहा हूँ, अल्लाह करेगा सुबह इनकी तबीयत बेहतर होगी, क्योंकि हालत बहुत खराब है यार। तीन के कतरे डाल, दो तीन, चार, बस 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 बस, अब दूसरे की बारी। तीन कतरे, एक दो तीन, चलो हो गया, ये भी हो गया। और बाकी ना ऐश फियोना को जब खाना देंगे उनको ये वाली कैल्शियम भी उनके अंदर ऐड कर देंगे। सही है, ओके ओके। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल शहर में देहात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। और जो हमारे पास आज कबूतर आए ना उनके बारे में आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि वो कौन सी नस्ल के हैं। तो अभी दोस्तों हम छोटे मोटे काम कर लेते हैं, बारिश आना शुरू हो गई है, ऊपर वाले परिंदों को भी देखने और ये वाले परिंदे भी बंद करने हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़। चलो उठाओ इस पिंजरे को सीपी, उठाओ उठाओ उठाओ,
और ऊपर चल रहे हैं यार, बतखियां वगैरह सारी ना ऊपर बैठी हुई हैं, मुर्गियां भी सारी ऊपर घूम रही होंगी। जल्दी से बारिश आ गई है, ये कर लो। अच्छा मैं ऊपर जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ जल्दी। ओके आ जाओ।